वीडियो शुरू करने से पहले वो भाई मेरी वीडियो से दूर रहे जो अभी भी मुझे ये जज करते हैं आई एम ए प्रमोटर ऑफ प्लास्टिक मांजा। तो लाडले भाई जय श्री राम, क्या हाल है? सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आई होप सब आप अच्छे होंगे और भाई अपने घर पे मौज बाहर ले रहे होंगे, और लेनी भी चाहिए भाई, जब तक हम आपके साथ में हैं तब तक तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। और आपको ऐसे ही अवेयर करते रहेंगे जो आपके साथ में फ्रॉडबाजी हो रही है ऑनलाइन स्कैमिंग के थ्रू, क्योंकि मुझे काफ़ी इंस्टाग्राम पे लोग बोलते रहते हैं कि भैया देखो मेरे यहाँ पे पैसा फंस गया, वहाँ पे पैसा फंस गया। तो भाई अभी एक पता नहीं डीमार्ट पे एक बंदे का पैसा फंस गया था, तो भाई मैंने उसका थोड़ा जनाजा निकाला था जिसने भी उसके साथ में किया था। बड़े ही गंदे लोग हैं यार, तो थोड़ा सा आप अवेयर रहिए, देखिए किस पे आपको ट्रस्ट है किस पे नहीं, तो आप वहाँ से परचेज़ करिएगा जो भी चीज़ आपको परचेज़ करनी है। मैं बार बार यही बोलता हूँ कि मैं यहाँ पे अपनी बात नहीं कर रहा हूँ कि आइए मुझसे लीजिए, मैं तो जब कह रहा हूँ कि जब आपको मेरे अलावा किसी और पे ट्रस्ट हो तो आप उसके पास चले जाइए, मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। मुद्दे की बात यह है कि आज मैं आप लोगों की बहुत हैवी डिमांड पे एक कंपैरिजन करने वाला हूँ। कंपैरिजन होने वाला है थंडरबोल्ट वर्सेस मोनोकाइट ओरिजिनल के ऊपर। तो दिमाग में आपके ये आ रहा होगा कि भैया मोनोकाइट ओरिजिनल आपको कहाँ से मिल गया? भाई चीज़ें अभी भी अवेलेबल है, डिपेंड आप पे करता है कि आप कितनी लंबी दौड़ लगा सकते हो, समझ में आ रही? ये मैंने परसों ही परचेज किया था, और इस चीज़ को सोचते हुए इसका खास डिफरेंस क्या है दोनों में, और कौन सा मांजा किसको बीट कर सकता है, ये स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए परचेज किया है ताकि मैं आपको बता सकूं कि आप इन दोनों में से किसके पास जा सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले वो भाई मेरी वीडियो से दूर रहे जो अभी भी मुझे ये जज करते हैं आई एम ए प्रमोटर ऑफ प्लास्टिक मांजा, तो उन भाइयों से मेरी खास रिक्वेस्ट है वो मेरी वीडियो ना देखें, वो प्लीज़ दूर चले जाइए। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो मुझे यहाँ पे जानते हैं कि मैं 2 साल से प्रमोट नहीं करता हूँ प्लास्टिक के मांजे, क्योंकि जब से मैंने कॉटन के मांजों की वैल्यू को जाना है तब से मुझे प्लास्टिक के मांजों से एक हेट सी हो गई है। और सबसे बड़ा थैंक मैं कहूँगा एडजी कंपनी का, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड लॉन्च किए हैं, रेड मॉन्स्टर, थंडरबोल्ट, इन्होंने मुझे सच्चाई ये दिखाई है कि भाई ये देखिए प्लास्टिक का कोई सा ब्रांड आप लेके आइए अगर हम ना काटे तो पैसा रिटर्न। ट्रस्ट किया, उनकी फीडबैक देखी, उनके रिव्यू चेक किया, खुद टेस्टिंग की चैनल पर आके, तब उनके औकात का मुझे पता चला और तब से मैं दीवाना हो चुका हूँ उनका। लेकिन अभी तक आपने देखा कि मैंने थंडरबोल्ट वर्सेस मोनोकाइट फाइटर किया हुआ है, ठीक है ना, कि कौन सा बेस्ट रिजल्ट देगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा टेस्टिंग वाला तो आप वो वीडियो देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मोनोकाइट फाइटर की यहाँ पे चूतड़ फाड़े है। मोनोकाइट फाइटर को ये होश नहीं आया कि मेरे साथ में हो क्या रहा है। अब यार लोगों की डिमांड है कि भैया थंडरबोल्ट वर्सेस आप मोनोकाइट करिए जो ओरिजिनल वाला है उसके साथ में हमें दिखाइए कि कौन सा बेस्ट है कौन सा नहीं। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, ठीक है, ये वीडियो एक नॉलेज पर्पज से आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ कि आप डिसाइड करो कि दोनों में अच्छा कौन सा है, ठीक है ना। और मैं एक चीज़ हमेशा से कहता हूँ भाई, आप जितना दूर रहिए प्लास्टिक से उतना बढ़िया है, लेकिन आप लोगों की हैवी डिमांड के ऊपर ये वीडियो में लेकर आया हूँ कि मगर आप लोगों को पता लगे कि भाई इन दोनों में से हमें किसकी तरफ जाना चाहिए। सबसे पहले मैं थंडरबोल्ट की बात करता हूँ, ये 8400 के ऊपर बनाया हुआ है मांजा। किसके ऊपर? 8400 क्या है आप स्क्रीन पर देखिए, ये वर्धमान कंपनी का एक थ्रेड आता है 8400, आर्टिकल 8400 रखा हुआ है, ठीक है। ये जो 8400 मांजा ना, ये छत पे लड़ाने के लिए काम आता है, इस पर इसको आप मैदान में जाके क्लब काइट फाइटर के साथ में पतंगबाजी नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे अलाउ नहीं है। अगर आप एक टूर्नामेंट में जाते हो तो, अगर आप ग्रुप मैच रखते रहो मैदान में खेल रहे हो तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर आप एक टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है आपने और टूर्नामेंट कहीं हो रहा है तो वहाँ पे 1, 2, 3 की डोर चलती है। 8400 जो ब्रांड है वो हल्का सा मोटा होता है, उसको खासकर स्पेशल यूज़ करते हैं चाइनीज़ मांजों को काटने के लिए। ये जो ब्रांड है ये मोनोकाइट का ओरिजिन ब्रांड है, पहचान क्या है, यहाँ पे एक स्टिकर देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा और बीच में एक स्टिकर देखने को मिलेगा। परसों ही परचेस करके लाया हूँ तो सोचा इसके ऊपर आपको बताऊँ कि इन दोनों में से बेस्ट कौन है। देखने वालों गलत मत समझना कि मैं यहाँ पे प्लास्टिक मांजा आपको दिखा रहा हूँ और इसके बारे में आपको समझा रहा हूँ, ये बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ, ये नॉलेज पर्पज़ के लिए वीडियो बनाई गई है कि बेस्ट कौन सा है, फेयर रिजल्ट होने वाला है, जो भी बेस्ट होगा वही बताऊँगा, ठीक है ना। बात है मोनोकाइट की, ये वो कंपनी है जो सबसे पहले अपना इंडिया में इसने प्रोडक्शन शुरू किया था, इसी की ऊपर से सभी ब्रांड निकले, इसके ही अंदर से सभी ब्रांड निकलने स्टार्ट हुए, मोनोबाज, मोनो स्काई, मोनोकाइट फाइटर, मोनो वेलपन वगैरह। इसका जो मांजा है वो बारीक होता है और शार्प बहुत होता है, लेकिन 8400 पे अब समर वेकेशन है, समर वेकेशन पे अगर हम काम कराएं 8400 के धागे पे तो गोल धार होनी चाहिए और आपका जो मांजा है उस पर धार होनी चाहिए, महसूस होनी चाहिए कड़कपन उस पर, और गोल धार होनी चाहिए। इसके साथ में कंडीशन होती है 300 या 400 मीटर की रेंज में जाके पहन लाए तभी आपको निराश नहीं करेगा अगर आप फंसा करके लड़ाते हो तो। अगर आप फंसा करके नहीं लड़ाते हो, खींच वींच करते हो तो भी आपको अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन आप कंडीशन ये आ रही है भैया कि इन दोनों में से हम कौन सा परचेज करें, भाई मेरी राय सुन लीजिए पहले। मोनोकाइट का जो ओरिजिन वाला ब्रांड है आज की डेट में ये मान के चलो उसकी वैल्यू है 1200, 1300, 1400, मतलब थंडरबोल्ट की भी 1500 के आसपास उसकी वैल्यू है थंडरबोल्ट की, तो दोनों की ही रेंज सेम है
और दोनों की क्वालिटी एकदम बेस्ट है, तो मेरे अकॉर्डिंग आप किसके साथ जाइए? मेरा जो दिल कहता है आप थंडरबोल्ट के साथ जाइए। मैं इस कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि ये मोनोकाइट को बहुत ईजिली तरीके से काट देगा, बहुत ईजिली तरीके से। मेरा ही कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस है कि मैं मोनोकाइट की कह कर लूँगा ओरिजिन वाले की थंडरबोल्ट से। यहाँ पे दाव उल्टा भी पड़ सकता है, क्या पता मोनोकाइट इतना ज़बरदस्त यहाँ पे परफॉर्मेंस दे कि थंडरबोल्ट की चुतड़ी फाड़ दे, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे भाई मेरे। लेकिन टेस्टिंग करूँगा, उसमें आपको और बेटर पता लग जाएगा। फिलहाल अभी जो आपके माइंड में क्वेश्चंस चल रहे थे कि इन दोनों में हमें ये बताइए बेस्ट रिजल्ट कौन सा मांजा देने वाला है और उनकी धार कैसी होने वाली है, तो जो बेस्ट रिजल्ट मेरे अकॉर्डिंग देगा वो आपको थंडरबोल्ट देगा, और जो इसकी धार है थंडरबोल्ट की वो गोल धार पे काम हुआ है और बहुत ही करारा मांजा है, छूकर देखना फैन हो जाओगे। रही बात यहाँ पे मोनोकाइट ओरिजिनल की, तो उसके साथ में दो डिसएडवांटेज है। एक तो कहीं पे भी ईजिली तरीके से ओरिजिनल नहीं मिलेगा, और अगर मिल गया और इसकी फाइट हो गई किसी थंडरबोल्ट वाले से तो वहाँ पे ये पिटेगा। अब टेस्टिंग के ऊपर पता लगेगा कि फिटेगा या क्या करेगा, मैं आपको जब बताऊँगा, क्योंकि थोड़ा सा मैं कॉन्फिडेंस मेरा हाई हो रहा है इसलिए मैं सब बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं इसकी धार की बात करूँ, इसकी जो ऊपर की जो धार है वो बहुत ही करारी है और नीचे की धार चिकनी है, और ये चीज़ मैं जब प्लास्टिक वाले मांजों को देखता था तब मैं अक्सर अपने मांजों को ये चीज़ चेक करके लेता था ताकि वो लोकल हो चाहे वो ओरिजिनल हो। अगर ये चीज़ मुझे मिल जाती थी तो मैं उसे बड़े ही आराम से परचेस कर लेता था, क्योंकि मुझे पता है उस पर काम कैसा हुआ है, ठीक है ना। और ये उसी धार पे काम किया है मोनोकाइट ओरिजिन वालों ने, क्योंकि इस ब्रांड को खोल के दिखाऊं और आपको समझाऊं तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरे पास में ऑलरेडी एक ओरिजिनल मोनोकाइट रखा हुआ है, खुला हुआ है वो, तो उसके साथ में मैं टेस्टिंग करके दिखाऊंगा आपको थंडरबोल्ट की, ठीक है। या आप कहोगे मैं इसकी दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट बॉक्स में बताओ कि किसकी दिखाऊं, पहले वाला जो मेरे पास रखा है ओरिजिनल बिल्कुल, या फिर इस नए वाले की खोल के जिसके आप मुझे बोलोगे मैं उसकी कर दूंगा। तो फिलहाल आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि भाई हम किसके साथ में जाएं और किसके साथ में ना जाएं। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगर आपको वीडियो को पसंद आया भाई चैनल को शेयर सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए गाइस जय भारत, वंदे मातरम।